और जितना पैसा उतनी दुखी है दुनिया। दुनिया बड़ी गद्दार है। बाकी धूप पता नहीं क्या कह रही है, कम से कम 48 डिग्री टेम्परेचर होएगा। मैं सबके साथ हूँ, समाज के साथ हूँ, और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी ना सबसे पहले हूँ, सबसे आगे हूँ। बात रही तुझे सबक सिखाने की, बहुत जल्दी सबक सिखा देंगे। हे राम राम जी। तो भाई वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे और बहुत ठीक होंगे। ऐसी गर्मी से बच के रहो, अब तो लू के साथ साथ धूल मिट्टी वाली हवा भी चल रही है। तो बाकी गाड़ी की सर्विस करवाई थी कल, सर्विस के बाद भी इसमें एक दो कमी रह गई हैं। एक तो इसका बंपर कल दीवार में लगा था, उसकी वजह से टायर अड़ रहा है इसमें बहुत ज्यादा। तो कल सुबह हमें 5 बजे भी निकलना है, तो इस वजह से हम दूसरी गाड़ी से मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। इतने छोटा वाला भाई है जो सौरभ, वो इतना गाड़ी को इतना लेकर अपना करवा लाएगा। ठीक, तो बाकी निकलते हैं अब घर, यानी कि बम्बावड। तो मम्मी को के लेक्चर भी सुनाऊंगा, तो मैं थोड़े बहुत भाई पीछे से कैमरा चला लिया, एक बार मम्मी बैठते कर स्टार्ट हो जाओ। पीछे धल्ले मम्मी के सामने ना आना चाहिए। अंडा तो बहुत दूर है दूसरी पन्नी में, अंडा मुँह की लपेट रही है, गलत दिखा दिया अंडा। मैं ना खाता ऐसे, इनने बाहर सुलाऊ मैं ना बना तो घर मशीन वाले आवे। अरे ये वेजिटेरियन हो अंडा, वेजिटेरियन हो भाई, खा मैं मुर्गा टट्टी। इतना गंदा मुंह तो बनाया मम्मी, कैसे करेगी? तेरी मुंह नहीं पता इतनी चीजें ना खा गो तो कई अनाथ आश्रम में छूट गया। अनाथ वाले भी रेस कर देता मैं जी, रेस नॉम कर देता अनाथ आश्रम को, नॉम कर देता तो कोई भगा देता रोटी टन और रात को। तब ना खाते का दुनिया ना खाती है ये। अरे खाने चीज खाओ जैसे बदो मन खा का जो छुआरे में जो न जो न। अब मुंह भाई को दल्ली लत्ती को दल्ली ले पीछे रख रहा हूं इनले पीछे दरी ना पीछे दर मुंह पे लत्ती है दल्ली, बिल्कुल ऑक्सीजन ही ना आ रही हूं। कानो मो वो पहलवान को कौन से पहलवान को? भीमा भीमा। आज के टाइम में ना है इतना शुद्ध खाना मम्मी, अरे जो दूध दही और इतना कुछ भी शुद्ध ना है। आज दौड़ लगाओ है 100 किलोमीटर तो डेली सोन से बेरी। 100 किलोमीटर किसने बता दिया? और कितने वजन उठावे रो के बहन भी ऐसी है, उठा के खास अलग दर्द देवेगी। पता ना होएगा उस टाइम पे मुझे दवा इस टाइम पता नहीं खास से उठा के कोई दर्द दे। देखो मैं देखे नो इतना हम जो तू ले गए हो कहां वो जो प्रिया दवाई जो अगला यार दो बार में हां कैसे कैसे भी ये वजन उठाने के ऐसे वहां में भी चीजें ना कहे पहले वोट बने। अब मैं घर में तो ऐसी ऐसी धरवा दूं गोल गोल पहले वो नहीं के वे तो घर भी हो जाती ना तब इनमें पैसा बर्बाद कर रहे हो जिम में। हां बेकार की बात है, गलत बात कर रहे हैं। 100 साल जिया आदमी, अब 60 साल की भी उम्र न रही, सब किराए पे न्यूज किराए की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा जी, दवाई खाओ और जिंदगी जियो। अभी देख खड़ चलाए करे पब्लिक पे ना पसीनो निकल करे शरीर को, अब कोई धूम में चल रहा या धूप को तो नहीं करे ना फुक्के। अरे सर दोपहर छोट भी कर आई है, हल भी चलावे और ईख न लावे इन दिनन के जेठ के महीनों में। और नौ तो मेरा टूट जाग देख ले कोई आदमी मोटा मिल जाए तो जल्दी हो जब ओवर टाइम पैसा देखने को ना आया। अब जितना पैसा उतनी दुखी है दुनिया। बात तो सही है, दुनिया बड़ी गद्दार है। पता उन्हें चलने दी गेल रह के भी अब तो जू लग है किस पे विश्वास करे। दो दिन तो ठीक है आदमी, तीसरे दिन खुद को दुश्मन है। सिकल तो ऐसा लग जाएगी ओई तेरो तो ही पर अपन भोग और वक मिनट में सिकल देख लीजिए, रूप भी देख लीजिए, दो दिन पीछे नुक देख लीजिए तो ही मरवा दे। हां एक दिन को कम मम्मी को हम ओवन में मेरे पे नजर रखना ही है कि क्या करे पूरे दिन, कहां रह वे गायब है क्या कर रहो। अब देख ली बन गई सीआई भी ना, सीआई भी ना बनी दो सीआईडी अपनी गैल लेके आवे बालकन ने। मैंने बर्बाद कहा कर दियो नु पता मोगिन हुई तू कम आवे और बर्बाद करे अपने, तू क्या पिलोट खरीद दे। तो अब मैं खा गो वा चीज, डाइट खा ली, वर्कआउट कर लिया, ये सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। पिलोट कहा करूंगा मैं, चाटूंगा पिलोट धर के। मेरे बस चलना है ना, कैसे चल लो मेरे पास की, मैं इतना घूमू मेरे पास की पूरे पूरे दिन घूमू। गाड़ी में तो घूम ले तो पावन कौन चलते, पावन खूब चलूंगा ले मैं चल तो मान जाऊंगी ठीक है। तू घर तक लगे हाँ। हमारे जो लोग खेत पल्ली बूट तक मेरे के दौड़ लगा दे, मैं मौत लूंगी तो ठीक है। कल ही कर ले चैलेंज है, एक काम कर एक्सेप्ट कर ले, कल ही दौड़ लगा दे तू एक बार मेरे। ये मो बिल्कुल ऐसे सो जाए थुस थुस हो जाए कि ये जिम विम कर रहा हूँ, बिल्कुल ठुस है। अब जिम कर ले तो दौड़ लगा सांस बढ़े है। सुबह को 30-30 मिनट दौड़ लगाता हूँ मैं ट्रेडमिल पे मशीन पे। हाँ वो नहीं जाती अभी 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 करे दौड़। ओ ना चल हमें चैलेंज दे रही है मम्मी, बताओ मैं कह रहा हूँ ना दौड़ा जाएगा। मैं दौड़ लेगा, मैं भरोसा है अपना, दौड़ लगा इतनी मेरे पे क्यों लगेगी। तो मैं देखो ना दौड़ता हूँ तो दौड़ भी जो दौड़ लगा के सुबह सोच वगा कभी भी टीवी ना सास। अरे मम्मी हरो टीवी सास के छोड़ो, जब से मैं जिम कर रहा हूँ 12 साल से, जब से बीमार हुई हूँ मैं हुई या मो कोई बीमारी खाई है जब से बीमार न हुई कौन बताइए। अरे मैं ही हुआ बुखार तो चली जावे सुन एडिट में खुद ही होगा जाके किसी ले मोटरसाइकिल ले गए बुखार में 102-3 में तीन बुखार हो 103-4 जाके ग्लूकोज लगवा के
खुद ही बुखार में खुद ही एडमिट होगा अरु भी दो तीन घंटा को ठीक ठाक हो गए दो तीन घंटा पर उल्टा बगिया जब मो लगे ना कि चक्कर आ रहे हैं और मो ऐसे लगे अभी अब न रुक जाएगा अपना उठाया मोटरसाइकिल भागो ग्लूकोज लगवाओ और इलाज हो क्या बात है सर। मम्मी हर तरह की नॉलेज है, डॉक्टर में वैद भी है, स्पोर्ट्स में भी है, रनिंग में भी है, खाने पीने में भी है, योगा में मेडलिस्ट है। शाबाश। पहुंचने से पहले मैं तुम्हें बहुत दिन बाद अपने घर का टूर करा देता हूँ। जैसे को इधर हमारे छोटी मम्मी का चूल्हा है, ये उससे छोटी वाली का चूल्हा है, और उसके बाद सबसे बड़ी वाली का ऊपर है, सबसे छत पर। तो अभी घर का टूर ऐसा है, हमने कुछ पेड़ लगाए अपने घर में जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमरूद का पेड़ इधर है, पहले यहाँ पर भैंस बनती थी तो जो चारा काटते हैं उसकी मशीन भी है, पेड़ ये रहा, और इधर हमारे देवता जी हैं। तो अभी चल रहे हैं सीधा, गाड़ी होगी होगी हमारी थार। ये गाड़ी इसलिए लेके आनी पड़ी क्योंकि कल निकलना है और वो ठीक भी करानी थी, उसमें टाइम भी लगेगा। जहाँ पर मैं बहुत टाइम से जूस और ऑमलेट खाता हूँ, यहाँ की ऑमलेट मुझे सबसे मस्त लगती है। जैसे कि आ चुकी है अपनी ऑमलेट और अपना सेक। तो जैसे अब कल जाना हो ना डाइटिंग पर, खत्म ही है आज से डाइटिंग, तो दबा के खाऊंगा दो दिन में, फिर उसके बाद डाइटिंग करेंगे। यार मंगवाया कुछ बनाना शेक भाई? बनाना शेक एक बनाना शेक ले भाई। तो ना मंगवाइए ऑमलेट, लपेट रहा इतने में अपनी तीन चार अंडा के ओमलेट खा और यहाँ भी खा रहा बताओ। तो गाइस घर आ चुके हैं और इस गाड़ी में से अपना सामान इसमें रख दिया है। बाकी धूप पता नहीं क्या कह रही है, कम से कम 48 डिग्री टेम्परेचर होएगा। पहले निकलते थे धूप वूप में, पहले तो नहीं लगती थी इतनी गर्मी, अब ज्यादा लगने लगी है। तो ये बाहर को कर दी, नहीं तो पहले इसमें लग रहा है ना, अब इसमें थोड़ी जगह होगी, नहीं तो पहले चिपका पड़ा है। मैंने प्लास्टिक वाली भी डलवाई ना, अब ठीक है, ये वाला मुड़ गई, ये करवाना पड़ेगा बस। तो अभी इसके ब्रेक्स अब भी रह गए और हम जहाँ सुबह निकलने वाले थे 5 बजे, मुझे लगता है दूसरी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। ये गाड़ी पहुँच नहीं पाएगी, इसके जो अलाइनमेंट और इसके जो ब्रेक्स हुए ना इन टायरों की वजह से, कैसे भी समझ लो, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, उनके ड्रम वगैरह सब घिस चुके हैं। तो गाइस आप ये जो अपनी मील हम बनाते हैं ना, एक तो थोड़े से सैलेड हो गए, बाकी ये देखो तुम, इसमें है लेग और चिकन ब्रेस्ट, ये हमने रखी इसमें और 20 मिनट का लगाया टाइम, 20 मिनट बाद अपना डाइट बन जाएगी, इतना रेस्ट करेंगे सीधा फिनिश। तो गाइस ये है हमारी मील जिसमें चिकन राइस और सिलाचा सॉस लो फैट, जिससे कि थोड़ा सा चिकन को निगला जाए, और एक खीरा, इसको काट के हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात एक और थी, दो तीन दिन से देख रहा हूँ, एक तो मानक भाई ने और एक अनूप भाई ने वीडियो डाली, उसके बाद वो मुझे दिखी, तो उसमें एक बंदा है वो बोल रहा है, भाई सुन लो पहले आप क्या बोल रहा है। मैं आपको मानक चौधरी, तो भाई आज कुछ कहने से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देखो। ये कह रहा है 5 फुट का आदमी कि गुजरों का और जाट का DNA करा लो, सारे पड़ोसियों के लिगड़ोगे। भाई पहली बात तो जितने भी गुजर दिल्ली में हैं, जितने भी सारे हैं, वो कभी किसी के सामने झुके ना है। और दूसरी बात, तो बुजुर्ग आदमी है, तो तेरे से क्या मुंह लगा जाए, तेरे से अपने आप भी अगर हम कुछ गलत बोलते हैं, गाली देते हैं, फिर अपशब्द बोलते हैं, हमारी खुद की जुबान गंदी होती है और हमारे खुद का पता चलता है भाई हम कितने बदतमीज है, तेरे से क्या ही बदतमीजी करें। बात रही तुझे सबक सिखाने की, बहुत जल्दी सबक सिखा देंगे मेरे गुजर भाई, मैं सबके साथ हूँ, समाज के साथ हूँ, और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी ना सबसे पहले हूँ, सबसे आगे हूँ। बाकी अपना भाईचारा सबसे है, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे साथ बैठने वाले हैं, कोई भी है, सब जानते हैं मैं सबके लिए दिल से हूँ। बाकी बिरादरी की बात पहले है, तो सही है गलत की बात है तो उसमें सबसे आगे रहूंगा। तो बाकी अपनी डाइट और पूरी करते हैं और फिर उसके बाद जहाँ भी जाएंगे सब आपको दिखाएंगे, तो बने रहना व्लॉग में। तो गाइस अभी थोड़ा सा कुछ खाया है और उसके बाद अभी वर्कआउट भी जाना है, तो उससे पहले थोड़ा सा दाढ़ी और हेयर कराने हैं, क्योंकि सुबह निकलेंगे तब तक सैलून नहीं खुलेंगे, तो इस वजह से अभी करा लेते हैं। और गोलू को अभी आधा घंटा लगेगा तब हम वर्कआउट निकलेंगे, नोएडा में ही करेंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ से दूर है। बाकी चलते हैं आगे। तो गाइस वर्कआउट पहुंच चुके हैं सेक्टर 46, और यहाँ की जो मार्केट है ना, इसका अलग ही मजा है। पूरे नोएडा में सबसे अच्छी मार्केट यही लगती है मुझे, जहाँ पर अच्छा क्राउड होता है और बढ़िया। और इसमें ही मेरे दोस्त का जिम है, मोहित कसाना भाई का, तो आज वर्कआउट वहाँ करेंगे। तो सबसे पहले वर्कआउट करने चलते हैं। वेट आ रहा है 81, कम से कम 9 किलो वेट कम हुआ डाइटिंग पे। तेरा कितना अभी? 82 छान में सू 82 पे आ गया छान में, 6 और 8 14 किलो वजन कम हुआ भाई।
तो गाइस जैसा कि आपको पता है अभी मेरी कटिंग चल रही है और कटिंग में जो मैं अपनी रिकवरी करता हूँ वो करता हूँ माय प्रोटीन के इम्पैक्ट वे प्रोटीन से। इसकी एक स्कूप में आपको मिल जाता है 21.5 ग्राम प्रोटीन और इसमें है 4.5 BCAAs। तो गाइस बात आती है एक अच्छे प्रोटीन की और बात आती है जैसे कि मार्केट में इतने सारे प्रोटीन है लोकल या फिर एक अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन की, तो मैं बात कर रहा हूँ माय प्रोटीन के इम्पैक्ट वे प्रोटीन जिसकी नई पैकिंग के साथ। और यहाँ पर आपको एक QR कोड मिलता है, यहाँ से आप इसको स्कैन करके इसका ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। तो गाइस बात आती है इसके फ्लेवर की, तो जो इसका मैंगो फ्लेवर है ना वो लगता ही नहीं कि आप प्रोटीन पी रहे हो, ऐसा लगता है कि आप जूस पी रहे हो। बाकी इसके और भी फ्लेवर हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जाकर के क्लिक करो और बाय करो। मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, AADI यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और अभी वर्कआउट करने चल रहे हैं, इतने जाओ और बाय करो। तो गाइज अभी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और आज हमारा जो वर्कआउट है वो है लोअर चेस्ट और बाइसेप्स। मंडे में लोअर चेस्ट और बाइसेप्स, और ये वाला वर्कआउट मैं आपको बता दूं, ये वाला वर्कआउट हमने अब से मुझे 10 11 साल या 12 साल जितने भी वर्कआउट करते हुए ये वर्कआउट मैं पिछले एक महीने से कर रहा हूं और पहली बार ऐसा वर्कआउट कर रहा हूं जिसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है और कटिंग में एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छा वर्कआउट भी है, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी सबसे पहला वर्कआउट है डिक्लाइन डंबल प्रेस जो कि पैरामिड है। पैरामिड का मतलब होता है 12 रहे, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर वापस 8, फिर 10, फिर 12। तो एक ही बार में पूरा सेट कंप्लीट करना है। पहली एक्सरसाइज ये है, उसके बाद आपको बता देंगे क्या क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज पे बीच में रोक लेंगे। बाकी म्यूजिक चल रहा है, सिनेमैटिक में ही आपको दिखा देंगे। तो गाइस ये था वार्म अप सेट जिसमें 20 से 15 रेपिटेशन, दो सेट जिससे कि हमारी बॉडी मतलब हमारी चेस्ट थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट कर सके। तो गाइस ये जो एक्सरसाइज है ना इसमें 20 25 फिर उसके बाद 30 पे है, तो हर सेट के बीच में कम से कम 30 सेकंड या 20 सेकंड या 15, तो इतना गैप है बस। तो गाइज इसमें है सेकंड एक्सरसाइज फ्लैट बारबल और डंबल प्रेस। बारबल से मारेंगे, चलो बारबल से मारेंगे। यस 10, यहाँ पेन होने लग गया लास्ट वाले रेपुटेशन पे। तो गाइज जाने से पहले आपको एक बॉडी की कंडीशन दिखाता हूँ। पहले तो गाइस ऐसी बात है भाई, गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत आए, कुछ आए, कोई कुछ गाड़ी मार दे तो ये वाला डंडा रखा, ठीक है पाइप। तो गाइस बात ऐसी है हमारी गाड़ी के ब्रेक शू अभी ठीक ना हो पाए, तो इस वजह से भाई की गाड़ी लेके जा रहे हैं हम। तो भाई तेनू कह रहे दस रही मेरे को, ठीक है भैया थैंक यू। मजा ही आएगा कह रहे ऑटोमेटिक ही। तो गाइस इस वाली गाड़ी में कंफर्टेबल बहुत ज्यादा लग रहा हूँ। ओहो इसमें तो ये तो 7 सीटर रही था।